नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M42 5G। दोस्तों हाल ही में इसमें अपडेट आया है। अगर आप जाओगे यहाँ पे सेटिंग्स में, सॉफ्टवेयर अपडेट में, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट अपडेट जो मैंने अभी अपडेट किया है, तो यहाँ पे एक चेंज लॉग मिला है। यहाँ पे लिखा हुआ है द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो साइज़ है अपडेट की, वो है 831.42 MB। और यहाँ पे सिक्योरिटी पैच लेवल जो है 1 जुलाई 2021 का है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अपडेट नहीं मिला है तो आपको जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट में, डाउनलोड इंस्टॉल पे आपको यहाँ पे टैप करना है और यहाँ पे आपको हर 5 मिनट के बाद चेक करना है, आपको यहाँ पे अपडेट जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से फीचर्स या जो चेंजेस हमने नोटिस किए हैं इस अपडेट के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहला चेंज जो है, जैसे आप जाओगे यहाँ पे अबाउट फोन में, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल जो है यहाँ पे 1 मई 2021 का था, अब यहाँ पे 1 जुलाई 2021 का है, ठीक है। ये सबसे पहला चेंज है जो मैंने नोटिस किया है। और दोस्तों अगला फीचर जो यहाँ पे ऐड किया गया है इस अपडेट में, वो है स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन। तो अब आपको यहाँ पे इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्विक पैनल में ही, आपको यहाँ पे टैप करके नो साउंड, मीडिया साउंड, मीडिया साउंड एंड माइक, इस तरीके से साउंड को चूज करके आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना है। और फिर आपको यहाँ पे डूडल का भी ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे डूडल क्रिएट कर सकते हो चालू रिकॉर्डिंग में। आप यहाँ पे देख सकते हो कलर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, जो थिकनेस है आप डूडल की वो भी यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे ये मिनिमाइज़ हो जाता है अपने आप, जैसे आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। और इस साइड में आपको यहाँ पे केवल टाइमर दिखाई देगा। तो इस तरीके से अब आपको यहाँ पे सैमसंग का इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है। आप इस पर यहाँ पे पॉज भी कर सकते हो या फिर आप स्टॉप भी कर सकते हो इस तरीके से, और ये आपको ऊपर मिल जाएगा। या फिर आप इसे गैलरी में जाके स्क्रीन रिकॉर्डर का जो ऑप्शन है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, यहाँ पे भी उसे एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इसे क्विकली एक्सेस करना हुआ तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लस के साइन पर टैप करना है और जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसे आपको यहाँ पे पहले ही लाइन पर डाल देना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको यहाँ पे 2 स्वाइप नहीं करना पड़ेगा स्क्रीन रिकॉर्डर को एक्सेस करने के लिए। आप अब यहाँ पे 1 स्वाइप करके ही ऐसा कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों आप जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो सेटिंग है वो भी चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर पे लॉन्ग टैप करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे साउंड क्या करना है, सेट क्या करना है, और इसके अलावा जो वीडियो क्वालिटी है, कौन से पी पे आपको, फॉर्मेट पे आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, 480p, 720p, 1080p, इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये आपको सेटिंग्स मिल जाएगी, सेटिंग्स में एडवांस फीचर में, और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डर। पहले आपको यहाँ पे मिलता था केवल स्क्रीनशॉट, लेकिन अब आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डर दोनों मिल जाएंगे, और आप यहाँ पे जो सेटिंग्स है स्क्रीन रिकॉर्डर की यहाँ से चेंज कर सकते हो। दोस्तों अगला फीचर जो यहाँ पे ऐड किया गया है इस अपडेट के बाद, तो जैसे आप जाओगे यहाँ पे सेटिंग्स में एडवांस फीचर में, आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक नया ऑप्शन, ये है वीडियो कॉल इफेक्ट्स। जो जब भी आप डियो या कोई भी वीडियो कॉलिंग ऐप है उसके दौरान जब आप वीडियो कॉल करते हो तो आप यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसे चेंज कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो, कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई भी इमेज आपको सेट करनी है आपके बैकग्राउंड में तो आप कोई भी इमेज जो है आपके बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हो। तो आप इस तरीके से 3 अलग अलग तरीके से बैकग्राउंड इफेक्ट को चेंज कर सकते हो, ब्लर, कलर या फिर इमेज, ठीक है। दोस्तों एक चेंज जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया है, जब भी आप किसी गेम को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको गेम बूस्टर मिलता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता था, रिकॉर्ड का ऑप्शन, लेकिन अब यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से वो रिमूव कर दिया गया, क्योंकि अब आपको यहाँ पे एक फुल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अब ये रिकॉर्डिंग के ऑप्शन यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पे यहीं से अब रिकॉर्डिंग करना है किसी भी गेम को, अगर रिकॉर्ड करना भी हुआ तो, ठीक है। दोस्तों एक फीचर मैं चाहता था कि यहाँ पे ऐड हो जाए लेकिन नहीं हुआ है, वो है AOD को इनेबल करना। यहाँ पे अभी तक AOD को इनेबल नहीं किया गया है। सैमसंग ने हालांकि 720p स्क्रीन पे AOD देना स्टार्ट किया है, तो हो सकता है कि अगले अपडेट में इसमें AOD इनेबल हो जाए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कोई भी नया फीचर नोटिस नहीं किया है। दोस्तों अब देखते हैं कुछ ऐसे ऐप्स जिनका वर्जन यहाँ पे अपडेट किया गया है लेकिन उसमें कोई भी नया फीचर ऐड नहीं किया गया है। तो कैमरा का जो वर्जन है उसे अपडेट किया गया है, गैलरी का वर्जन अपडेट किया गया है, जो OneUI होम है उसका जो वर्जन है ये भी अपडेट किया गया है। इसके अलावा जो गैलरी में फोटो एडिटर होता है उसे भी यहाँ पे अपडेट किया गया है, उसका वर्जन यहाँ पे अपडेट हुआ है। इसके अलावा जो लॉक स्क्रीन है, जैसे आप जाओगे यहाँ पे लॉक स्क्रीन में, अबाउट लॉक स्क्रीन में, तो इसका भी जो वर्जन है ये अपडेट किया गया है। और यहाँ पे जो फ़ोन ऐप है उसका भी यहाँ पे वर्जन अपडेट किया गया है अबाउट फोन में, और जो मैसेज ऐप है मैसेज का भी जो वर्जन है उसे अपडेट किया गया है। दोस्तों इसके अलावा मैंने यहाँ पे कोई भी नया फीचर नोटिस नहीं किया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे ऐप स्क्रीन में स्मार्ट ट्विटर जो ऐप है ये यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, जो सैमसंग का ही ऐप है जो जरूरी होता है, और ये आपको मिलता है सेटिंग्स में
रिमोट सपोर्ट और स्मार्ट ट्यूटर ये एक ही है। तो अगर आपको ऑनलाइन कोई भी इश्यू सोल्व करने हुए कस्टमर केयर से, तो आप यहाँ पे स्मार्ट ट्यूटर का यूज़ कर सकते हो अपने सैमसंग के फ़ोन में। तो दोस्तों ये था इस अपडेट में। अगर आप अपडेट के बाद कोई भी नया फीचर नोटिस करते हो या कोई भी नया चेंज आपने नोटिस किया होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।